खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजावाला देहरादून स्थित द इंडियन पब्लिक स्कूल के 22वें स्थापना दिवस समारोह में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने द इंडियन पब्लिक स्कूल परिवार को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि द इंडियन पब्लिक स्कूल श्रेष्ठ विद्यालय के रूप में उभर रहा है। विद्यालय शिक्षा में संस्कृति, वैदिक ज्ञान, योग जैसे विभिन्न पाठ्यक्रमों को भी जोड़ा गया है। अच्छी शिक्षा से ही अच्छे भविष्य का निर्माण होता है। आगे मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। इसे आगामी 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस अवसर पर सेवा के कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने भी संकल्प लिया है कि हम आने वाले समय में उत्तराखंड को नशा मुक्त, टीबी मुक्त उत्तराखंड बनाएंगे। उन्होंने कहा, सेवा पखवाड़े के रूप में अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों और मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। आगे सीएम ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता के लिए समिति का गठन किया गया है। जल्द ही समिति के सुझावों के आधार पर फैसला लिया जाएगा। उत्तराखंड राज्य में नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया है और 2030 तक नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। कार्यक्रम में विधायक सहदीप सिंह कुंडी, रीता सिन्हा, विद्यालय निदेशक ए के सिंह, संयुक्त सचिव रत्ना सिन्हा, कार्यकारी प्रधान आचार्य श्रीमणि सी वी सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी एवं अन्य लोग मौजूद रहे।